गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रिंस कुमार आपके अपने चैनल नोवर प्रिंस में आप सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड जैसा कि जान रहे हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि कोरोना वायरस जिसे COVID-19 कहा जा रहा है, जिसके कारण से आने वाले सारी परीक्षाएं, एंट्रेंस एग्जामिनेशन सारे के सारे पोस्टपोन्ड होते जा रहे हैं। फ्रेंड उसी के दरमियान, जैसा कि आपने मेरे वीडियो में पहले देखा होगा कि जेई मेंस 2020 जब परीक्षा होने वाली थी अप्रैल में, जो शेड्यूल किया गया था, उसको भी बढ़ा दिया गया है। जैसा कि मैंने उसी वीडियो में आपको ये भी बताया था कि हो सके तो नीट का भी एग्ज़ाम को बढ़ाया जा सके। फ्रेंड तो इसी के दरमियान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने एक पब्लिक नोटिस कल 27/3/2020, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, उसने नोटिस जारी किया है। इसमें लिखा है, सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं, पोस्टपोनमेंट ऑफ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एंड नीट UG 2020। फ्रेंड इसमें बताया गया है फ्रेंड, जो कि 3 मई को एग्ज़ाम नीट UG का होने वाला है, पूरे कंट्री अक्रॉस द नेशन होने वाला था, उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। और बताया गया है कि अब ये लास्ट वीक ऑफ मई में होने वाला है। फ्रेंड ये फ्रेंड एक प्रकार का बैड न्यूज़ है वैसे पेरेंट्स के लिए, जो साल दो साल से मेहनत कर रहे हैं, जिनको जल्दी जल्दी फ्रेंड, लेकिन एक ऐसे इंटेंस सिचुएशन में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इंटरेस्ट में सिटीजन के इंटरेस्ट में लेने लिया गया यह फैसला है। इसके देखते हुए फ्रेंड आपको भी अपनी तैयारी और अच्छे से करनी चाहिए। पोस्टपोन हुआ तो हुआ, सारे कुछ स्कूल यूनिवर्सिटी सारे कुछ बंद है। फ्रेंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट, जैसे कि मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, मेरे को तो सिंपली बताया जा रहा है कि आप व्हाट्सएप से चलो पढ़ाई करिए। हम लोग का सारा जो कॉलेज की फैकल्टीज़ है, हम लोग को खुद पर्सनली व्हाट्सएप से पढ़ा रही है, लिंक भेज रही है। तो आप भी ऑनलाइन पे फोकस करिए फ्रेंड, ऑनलाइन मटेरियल्स को बाय करिए, फ्री में भी बहुत सारी उपलब्ध है। मैं उसके सारे लेटेस्ट अपडेट आपके चैनल पर देता रहूँगा फ्रेंड। तो इसको जानकारी को देखते हुए इसमें और अगर नीचे जाएंगे तो इसमें देख सकते थे, एक लिख सकता है, लिखता है, अकॉर्डिंगली द एडमिट कार्ड फॉर द एग्जामिनेशन वेयर टू बी इशूड ऑन 27 मार्च 2020 विल नाउ बी इशूड आफ्टर द असेसिंग द सिचुएशन आफ्टर द 15 अप्रैल 2020 ओनली। फ्रेंड जैसा कि ये बता रहा है कि 27 मार्च को जो इसका एडमिट कार्ड आने वाला था, यानी जो कल आने वाला था, उसी दिन ये जारी किया गया नोटिस है कि वो जैसे कि अब उसका डेट पोस्टपोन्ड हो गया है, उसका कोई फिक्स डेट नहीं है, वो सारा एग्जामिनेशन वो सारे डेट को अब अपने द्वारा खुद, जैसे कि जब सिचुएशन कंट्रोल होगा उसके हिसाब से वो एग्ज़ामिनेशन कराया जाएगा। फ्रेंड्स के लिए घबराने की कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने घर में सुरक्षित रहें, बाहर निकलने से एकदम बचें फ्रेंड, क्योंकि आप न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं कि इंडिया थर्ड स्टेज में जाने वाला है। फ्रेंड इसीलिए आपका मेन मोटो यही है कि आप अपने घर में बच के रहें, सतर्क रहें, डरना नहीं है, सिर्फ सावधानी बरतनी है इसको लिए। और उन्होंने NTA ने बहुत अच्छी बात लिखी है कि जैसा कि उनको ये डर है कि मान लीजिए अगर एग्ज़ाम कराया जा रहा है तो एग्ज़ाम सेंटर्स वेन्यू अनाउंस होंगे, जिसके लिए ट्रैवल करना पड़ेगा, जिसके लिए सारी ट्रेन इवन ट्रेन फ्लाइट सारी के सारी बंद पड़ी हैं, बसेस बंद नहीं चल रही हैं, मतलब कुछ पूरी तरह से इंडिया लॉकडाउन है। अब देखना ये है कि 14 अप्रैल जो लॉकडाउन का डेट है उसके बाद यानी 15 को अब क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन फ्रेंड गौर करने वाली बात ये भी है कि गवर्नमेंट जितने भी घोषणाएँ कर रही है, खास करके एज ए एस्पिरेंट आप लोग को जानना जरूरी है कि आपको तकरीबन ये मई भी आपका मतलब कि कोई फिक्स नहीं होने वाला, क्योंकि गवर्नमेंट जितने भी घोषणाएं कर रही है वो सारी 3 महीने की कर रही है, इवन जून भी हो सकता है। फ्रेंड तो आप इसे डरे नहीं, अपने प्रिपरेशन को और एक अच्छा क्रिएटिविटी प्रोवाइड करें और अच्छे से मेहनत करें फ्रेंड। और पेरेंट्स को भी हिदायत दी गई है कि आप अपने स्टूडेंट्स को इंगेज रखें, प्रिपरेशन को डल नहीं होने दें, कि जिसका जो फ्लो है उसको क्लियर हो रहने दे, फ्लो को इंडल्ज नहीं होना चाहिए इसीलिए। और जैसे कि जानकारी आपको इसमें बताई जाएगी, मैं जैसे कि आएगा, थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो रहा है फ्रेंड, मेरे भी बहुत सारे काम घर में चल रहे हैं इसके कारण से, तो उसकी जानकारी अगर आपको जैसे कि मुझे पता चलेगी तो मुझे आपके अपने चैनल पर तुरंत ले जाया गया। इसमें और एक जो और बताया गया, NTA वुड कीप स्टूडेंट अपडेटेड आफ्टर द लेटेस्ट डेवलपमेंट एंड वुड इन्फॉर्म अबाउट द चेंजेस विद द एम्पल टाइम। मतलब कि जैसे जैसे जानकारी आती रहेगी, जैसे कि कुछ नोटिफिकेशन रिलीज होता है
आप साइट पे भी जाके देख सकते हैं, अगर नहीं देख सकते हैं तो आप सिंपली सब नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, सब्सक्रिप्शन को नोर प्रिंस को जरूर दबा के रखें, सब्सक्राइब करके रखें, जैसे कि कोई वीडियो आएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा फ्रेंड। इसीलिए इसको जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने सारे एस्पिरेंट्स में, जेई के भी अगर एस्पिरेंट हैं, नीट के भी एस्पिरेंट हैं, जो भी कोई सारे एग्ज़ाम पोस्टपोन है फ्रेंड, इवन जो सरकारी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होती है सारे के सारे पोस्टपोन हो चुकी है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, अपने प्रिपरेशन को अच्छे तरीके से करें। आपको एक प्रकार से तोहफा भी मान सकते हैं कि एक प्रकार से ये तोहफा मिला है। तब तक ले आप अगर प्रिपरेशन कोई चैप्टर नहीं है उसको अच्छे से रिवाइज करिए, इसको लाइक भी करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने सारे मित्रों में जरूर से जरूर बनाए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।